Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. Welcome back to our parents your YouTube channel. Food and Tour with SP. आज हम आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है पिज्जा फ्राइज। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत मजे के बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So our very first step is to make the white sauce, जिसके लिए मैंने पतीला चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ये हम इसमें ऐड करेंगे और जैसे कि आपको आवाज़ आई है कि ये बिल्कुल गर्म ही है। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून टेबलस्पून डालूंगी ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। बस तकरीबन इतना काफ़ी है। आई थिंक इसकी थिकनेस थोड़ी सी और कर लेते हैं। थोड़ा कर लूँ? ठीक है, कर लेते हैं। आई थिंक इतना ही। हाँ, ग्रेट। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अपना 1 कप मिल्क। वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। मेक श्योर आप चमचा ना छोड़ें बिकॉज घुटनियाँ बनने का डर होता है ना, इसलिए आप लोग लगातार मिक्स करते जाएं। आई थिंक इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब मैं साथ ही साथ इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून डालूंगी मेयोनीज और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें साथ साथ मिक्स करती जाने हैं हमने, वेट नहीं करना बिल्कुल भी बिकॉज इसमें घुटनियाँ बनने का डर होता है ना, सॉस है ये। दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। डन, अगेन मिक्सिंग। इन दिस केस अगर आपको फील हो कि आपकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, आपकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है और आपको इसको थोड़ा सा थिन फॉर्म में लेकर आना है, तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और ऐड कर दें। जी जी, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, आप लोग मिल्क और ऐड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि बाजी आपको बताएगी। या दैट इज टू प्रिपेयर चिकन। और सेकंड स्टेप इज टू प्रिपेयर द चिकन। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और अब मैं इसके गर्म होने का वेट करूँगी। अब मैं इसके अंदर अपना बोनलेस चिकन ऐड करूँगी जो मैंने इस क्यूब इतनी क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैं इसे ऐड कर लूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी दोनों साइड्स के लाइट वाइट लाइट से गोल्डन होने का वेट करेंगे। सो गाइस, हमारा चिकन दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गया है और अब हम इसके अंदर अपने 3 स्पून योगर्ट के ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून ना? या 3 टेबल स्पून। अरे आई थिंक थोड़ी ना फ्लेम हल्का कर देते हैं। हाँ, लो कर दीजिए। हाँ जी। एंड इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यार आपने एक बात नोट की है, योगर्ट ऐड करने से एकदम से वो जो इतनी ज़्यादा सिजलिंग साउंड है वो बंद हो चुका है। हाँ क्यों वैसे? आई डोंट नो। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स दूँ? या ये ओके। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला एंड 1/2 टीस्पून हल्दी का। ये सब हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसके हम 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इससे चिकन का टेस्ट और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ी सी मैं मीडियम हाई पर ले आती हूँ ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे 10-15 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे सो डैट हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। हमारा चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसे दम पर लगाएंगे, लेकिन दम पर डालने से पहले मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर के ऐड कर दूंगी। दैट्स इट। और इसे मिक्स करके अब साथ ही मैं कवर कर दूंगी। ओके, आवर थर्ड स्टेप इज़ टू मेक फ्राइज। उसके लिए मैंने 3 पोटैटोस लिए हैं, उसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। इसके अंदर मैं
वन एंड हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, वन एंड हाफ टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लोर एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट के ऐड कर दूँगी। ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। साथ ही साथ हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया हुआ है ताकि वो गर्म हो जाए, और अब तक तो गर्म हो भी गया है। साथ अब मैं मिक्स की हुई ये चिप्स इसके अंदर थोड़े थोड़े ऐड करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। और उसी के साथ हमने दूसरी साइड पे हमने अपना चिकन भी गलने के लिए रख दिया हुआ है, वो स्लो फ्लेम पे गलता जाएगा तब तक हमारी ये चिप्स भी तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना बिकॉज वो उस तरह फिर कुरकुरे नहीं बनते, बना कर रख डाल कर रख छोड़ते छोड़ दें एंड इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे कर दें। चलिए जी, 1 मिनट हो गए हैं, मैंने सोचा थोड़ा इसको स्पून हिलाकर थोड़ा हिलाती हूँ, आपस में चिपक ना गए हो। यार आपको याद है गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी के फ्राइज कितने ज़्यादा मज़ेदार होते थे? यार लिटरली मुझे विंटर में सिर्फ फ्राइज की क्रेविंग हुआ करती थी, लाइक कुछ भी खाना है क्या खाना है यार आपने, मैंने फ्राइज खाने एवरी टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता। अब तो बहुत मिस करती होगी ना, मैं तो भाई अभी भी खाती हूँ। हाँ लकी यू आर। अब हम दोबारा अपने फ्राइज को चेक कर लेते हैं, देखें बिल्कुल कुरकुरे से बिल्कुल परफेक्ट से बन गए हैं, यही कलर भी हमें चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। वैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर ना रेड रेड कलर की चिप्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको थोड़ा और कर लें। हमारी फैमिली में इस तरह का ही कलर लिया जाता है, तो हम लोग यही निकालेंगे। सारे निकाल कर हम अपना सेकेंड राउंड निकालेंगे, यानी दोबारा डाल लेंगे। या मैं अब हम लोग इसकी सेकेंड शिफ्ट ऐड कर रहे हैं और अब हम आपको उसका फाइनल कलर काट के दिखाते हैं, सारे चिप्स निकाल कर दिखाते हैं। जी फ्राइज हमारे सब हो गए थे और अब हमारे चिकन को भी दम लगे, 15 मिनट हो गए, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गया हुआ है, साथ ही थोड़ी सी हाई फ्लेम पर करके हम ये जो थोड़ा बहुत मसाला है इसको ड्राई कर लेंगे और फिर अपने चिकन को निकाल लेंगे। ओके, अब हम लोग अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ की असेंबलिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले वी विल ऐड फ्राइज, हम अपने फ्राइज ऐड करेंगे। ये हमने कर दिए अपने फ्राइज, जितने आपको ज़रूरत होगी बस उतने ऐड करने, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ऐड कर दें। और ये चेंज इतने काफ़ी है, आई थिंक अगर कॉर्नर्स कॉर्नर्स में डाल दें तो भी अच्छा आएगा। ठीक है, इस तरह करते करते सारे ही डाल दिए वैसे ही। नहीं थोड़े छोड़े भी हैं। चलो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिकन, मीन्स आर सेकेंड लेयर विल बी ऑफ चिकन। चिकन भी कोई आप लोगों को ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, बस जितना अच्छा लगे मॉडरेट लगे उतना डाल लें। सारा पसंद आएगा। अच्छा ये ले भैया, आपके लिए सारा डाल दें, ठीक है ना जी। चलो जी ऑल डन, थर्ड लेयर बाजी डाल दिए। थर्ड लेयर हमारी है सॉस, जो हमने आपके सामने व्हाइट सॉस बनाई थी, अब हम ये ऐड कर देंगे। स्प्रेड कर देंगे हम। कुछ भी आप लोगों ने ओवरलोडेड नहीं करना। या एग्जैक्टली, वरना वो आपको बिल्कुल भी टेस्ट में मजा नहीं आएगा खाने। बिल्कुल होगी व्हाट्स इट। काफी है ना। चले अब आप चीज के लिए लेयर कर दें। ठीक है, सारी चीज मैं एक बारी में नहीं डालूंगी बिकॉज हम थोड़ी सी ऊपर भी डालेंगे। अभी हमने चीज़ इतनी की है, बट अब अगर हमें जरूरत फील होगा कि हमें इसे और ज़्यादा करनी है तो हम और ज़्यादा ले आएंगे। एंड येस, दिस इज चेडर चीज़। चेडर चीज़ से ऐसे अच्छा होता है ना कि ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए मैं हमने ज़्यादा चेडर चीज़ लिए। आई थिंक इनफ होगा। चलो जी, अब जो हमारे पास वेजिटेबल्स रह गई हैं वो ऐड कर लेते हैं, जो बेसिकली हम लोग पिज़्ज़े में भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी कैप्सिकम, ओवरलोडेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, हो सब कुछ बट एक लिमिट में।
आई थिंक इट इनफ होगा। चलेगा जी, अब थोड़े से अनियन ऐड करेंगे हम। और अब फाइनल्स हमारे ब्लैक मशरूम्स। बहुत ही अच्छा ना कलर आ जाता है ये वाले मशरूम्स डालने से। थोड़ी ऑलिव्स हैं ये। चलिए जी, अब फाइनल में हम लोग ऊपर से अगेन चीज चलिए जी, अब ऊपर से हम दोबारा चीज ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा फ्राइज ना में और चीज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। व्हाट डू थिंक, और चीज ऐड कर ले? आई थिंक इनफ होगी यार इतनी, बिकॉज़ अंदर भी तो है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ ताकि खूबसूरत लगे। दैट्स इट। And few capsicums too. चले, अब हम इसको माइक्रोवेव ओवन के लिए 2 मिनट्स के लिए रख देंगे, so that इसकी चीज मेल्ट हो जाए। अब हम अपने पिज्जा फ्राइज के बोल को ओवन में रख देंगे और फॉर लाइक 2 मिनट्स हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं 2 मिनट्स के बाद। चलें जी, बस 3 सेकंड्स और रह गए हैं, फिर हम अपना चेक करते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज। ओह, एक्साइटेड? ऑफ कोर्स। चलें स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, दिस लुक्स हेवनली। सी, सो डिलीशियस। चलें, हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं और अब मैं आपको उसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। वाओ, इतना टेस्टी लग रहा है ना। सो ट्रू। तो इसी के साथ हम अपनी रेसिपी का आज एंड करते हैं। हमें इजाजत दीजिए, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर पेरेंट्स यूट्यूब चैनल। तो रिमेम्बर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।